नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा लाल टोपी पहनने वालों को आतंकवादी बताती है, चुनाव आते ही धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कस्बे के बैसवारा डिग्री कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ के बीच वो अपने विजय रथ से जनसभा स्थल पहुंचे। विशेष लिफ्ट से वो बस के अंदर से बस की छत पर पहुंचे, जहां सपा नेताओं ने पहले उनका स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लाल टोपी पहनने वालों को आतंकवादी बताती है, चुनाव आते ही ये धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। बुल व बुलडोजर की सरकार हटाने का काम यही लाल टोपी वाले युवा करेंगे। भाजपा रेल उत्पादन इकाइयों को लेकर बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, सभी सरकारी संस्थान बेचने में जुटी है। भाजपा से ज्यादा झूठ बोलने वाली सरकार दूसरी नहीं है। ये पहले फेकू सरकार थी और अब बेचू सरकार हो गई है। जनसभा में मौजूद भारी संख्या में शिक्षा मित्रों के हाथों में तख्तियां देख कहा कि सपा सरकार ने उनके समायोजन का काम किया था, लेकिन भाजपा ने न जाने क्या आश्वासन दिया कि उन्होंने चुनाव में भाजपा को थोड़ी मदद कर दी। उसका नतीजा सभी के सामने है। बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की जान गई है। अटेवा, बीएड, टीईटी सभी की समस्याओं का समाधान सपा सरकार बनने पर किया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर टीईटी का पर्चा लीक कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस व पीआरवी पुलिस सपा की देन है। कोरोना काल में यही एम्बुलेंस सबसे ज्यादा मदद के काम आई, लेकिन 100 नंबर को 112 करते ही पुलिस भी बिगड़ गई। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन बेड, दवाएं सब कम पड़ गया। फिर भी सरकार कह रही है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। इस मौके पर भारी संख्या में सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? आधा उठाओ, पेट्रोल 100 पार है कि नहीं है? डीजल महंगा, जब आपकी कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो आपके घर परिवार में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। जब कमाई आधी और महंगाई दोगुनी तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे गरीब के घर खुशहाली आएगी? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाई,